हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े अवकल समीकरण और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि प्रथम कोटि और प्रथम घात का अगर कोई अवकल समीकरण दिया होगा तो उसका हल हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूं, प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण का हल। तो हम लोग जानते हैं व्यापक हल और विशिष्ट हल दो हल होते हैं किसी अवकल समीकरण के, तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रथम कोटि और प्रथम घात का अवकल समीकरण का मतलब क्या है, यानी कि वैसा अवकल समीकरण होना चाहिए जिसका कोटि भी एक हो और घात भी एक हो। देख लो इस अवकल समीकरण के बारे में, देखिए इसका ऑर्डर एक है और इसका पावर कितना है, 1 ही है, इसलिए इसका कोटि क्या दिख रहा है मुझे कि एक है और घात भी एक है, तो यह प्रथम कोटि और प्रथम घात का अवकल समीकरण कहलाएगा। हम लोग क्लास 12th में प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण के ही बारे में पढ़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं। उसके अवकल समीकरण से उसका हल कैसे ज्ञात किया जाता है इसी के बारे में पढ़ेंगे, इससे बड़े घात वाले को नहीं या बड़ी कोटि की नहीं। ध्यान रखना, हम लोग इसमें अवकल समीकरण से उसका जब हल निकालने की विधियों के बारे में बात करेंगे तो हम लोग इसमें सिर्फ प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण का ही हल निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग प्रथम कोटि और प्रथम घात वाले अवकल समीकरण का हल निकालना सीखेंगे। तो जैसे कि मैंने बता रखा है कि हल दो हो जाएंगे, उसका विशेष हल और व्यापक हल, विशिष्ट हल और व्यापक हल दो हल होते हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे, ठीक है ना जी। तो हम लोग अवकल समीकरण से उसके हल ज्ञात करने की कई सारी विधियां हम लोग क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहली विधि जो है जिसे हम लोग कहते हैं चरों का पृथक्करण विधि, चरों का पृथक्करण विधि, चरों का पृथक्करण विधि, यानी कहते हैं वेरिएबल सेपरेशन या वेरिएबल सेपरेबल भी लिख सकते हैं मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, यानी कि चरों को पृथक करके उसको हम लोग क्या करेंगे, उससे उसका हल निकालेंगे अवकल समीकरण का। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि जो डिफरेंशिएशन होता है ना, वह इंटीग्रल का या इंटीग्रेशन का इनवर्स प्रोसेस होता है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का इनवर्स प्रोसेस होता है या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते थे, वक्रों को डिफरेंशिएट करते थे। इसका मतलब कि अगर मुझे अवकल समीकरण से उसका हल ज्ञात करना होगा, वक्रों के कुल का समीकरण ज्ञात करना होगा, तो हमें क्या करना होगा, उसे इंटीग्रेट करना होगा, यानी कि उल्टा करना होगा। तो वो पहली विधि हमने ली कौन सी होगी, चरों का पृथक्करण विधि द्वारा हम लोग कैसे इंटीग्रल उसका इंटीग्रल अवकल समीकरण से उसके हल को ज्ञात करेंगे उसी के बारे में पहले चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए यही अवकल समीकरण है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस का एक्स इक्वल टू में 1, हमें इसका क्या करना है जी, हमें इसका हल निकालना है। तो हम लोग पहली विधि चरों को पृथक्करण, यानी कि इसमें चर को सेपरेट करेंगे, एक तरफ एक्स वाले को एक तरफ वाई वाले को। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में 1 माइनस का एक्स हो जाएगा, डी वाई इक्वल टू में आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स डी एक्स। अब देखो तो चर पृथक हो गए, इधर वाई वाले इधर एक्स वाले, अब इसको लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। चलिए तो इंटीग्रल ऑफ डी वाई, इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स। चलिए अब देखिए यहां इसका हो जाएगा वाई, 1 का हो जाएगा x और x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और प्लस में इसमें हमेशा कॉन्स्टेंट c ले लेंगे, ठीक है ना जी, क्योंकि हमने यहाँ पे ये व्यापक हल निकाला है। अब विशिष्ट हल जब होगा ना तो x और y का कुछ मान दे देगा, उस मान को रख के फिर c का निकाल लेंगे मान, जैसे मतलब क्या देगा कि x y के जो वैल्यू है वो 0 0 पर इसका व्यापक हल क्या होगा, विशिष्ट हल क्या हो। तो विशिष्ट हल यहाँ पे y की जगह पे 0 रख देंगे और x की जगह पे 0, यहाँ से c का वैल्यू क्या आ जाएगा,
जीरो आ जाएगा। तो अब इसलिए इसका विशिष्ट हल हो जाएगा वाई इक्वल टू में एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू और सी की जगह जीरो, तो बस हो गया यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये व्यापक हल हो गया और ये आपका विशिष्ट हल हो गया, समझ गए ना जी, या विशेष हल हो गया, समझ गए। तो ये कोई बिंदु दे देगा उस पर निकालना होगा, समझ गए ना। चलिए, तो हमें यहाँ से पता क्या चला कि हम लोग को वेरिएबल को सेपरेट करना है और उनको इंट्रीगेट कर देंगे तो काम हमारा बन जाएगा। यानी हमने यहाँ देखा कि अगर मान लीजिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में कोई फंक्शन दिया हो तो हमें क्या करना होगा, इसमें वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे और फिर इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसका सपोज कर लीजिए इंटीग्रल वाई आ जा रहा है, इसका हो जा रहा है कैपिटल एफ एक्स और प्लस में। तो इस तरह से हम लोग ये हल प्राप्त करेंगे, बात को समझे ना जी। चलिए, जैसे सपोज करिए यहाँ पे ये दो दिए हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में दिया हुआ है एक्स, तो हम लोग वेरिएबल पहले सेपरेट कर लेंगे डी वाई इक्वल टू में एक्स डी एक्स और इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रल ऑफ डी वाई और इधर इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे ये वाई और इधर एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस, हमें अवकल समीकरण से इसका हल मिल गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड नंबर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में वन बाई एक्स, वेरिएबल सेपरेट करिए डी वाई इक्वल टू में वन बाई एक्स डी एक्स और यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे डी वाई इंटीग्रल ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स, ये वाई और वन बाई एक्स लॉग एक्स हो जाएगा और प्लस में सी ले लेंगे, हो गया। इस तरह से हम लोग निकाल दिए। तो आने वाले एक्सरसाइज में हम लोग जो भी क्वेश्चन बनाने वाले हैं वो वेरिएबल को सेपरेट करके और बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद होगा तो आसानी से हम लोग उसका हल निकाल पाएंगे। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब करेंगे इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च कर देंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल से वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।